अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ बहुत ही फेमस अजमेर शरीफ की कड़क सोहन हलवा की रेसिपी। तो चलिए इसे मैंने कैसे बनाया है बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये 2 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है ये मिल्क पाउडर और ये है ड्राई फ्रूट्स, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है ये घी 2 टेबल स्पून और शुगर मैंने यहाँ पे 150 ग्राम लिया है और सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह का बर्तन लिया है, आपके पास अगर स्टील का हो तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास यही था तो मैंने यही लिया है। और इसके ऊपर हम सबसे पहले ग्रीस करेंगे घी से, चारों तरफ हम अच्छे से इसके ऊपर घी लगा लेंगे। तो चारों प्लेट में मैंने अच्छे से घी लगा दिया है, इसके ऊपर अब हम रख देते हैं ये कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। ये जो स्टार्टिंग के काम होते हैं ये हम पहले करके रख लेते हैं ताकि जब हम इसे सेट करेंगे तो आसानी से ये सेट हो सके। उसके बाद हम जो मैदा और मिल्क पाउडर है इसे अच्छे से छान लेंगे और छानने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदा और मिल्क पाउडर मैंने अच्छे से छान लिया और अच्छे से चम्मच से मिक्स भी कर लिया है। तो चलिए अब हम बनाते हैं सोहन हलवा। तो यहाँ पे हम पैन में ऐड कर देंगे घी और यहाँ पे आप देसी घी का ही इस्तेमाल करें। अच्छे से हम इसे मेल्ट होने देते हैं और गैस की फ्लेम आप इस वक्त लो ही रखें और लो फ्लेम पर हम इसका कैरेमल बनाएंगे। तो ऐड कर देते हैं शुगर और बहुत ही आराम से हम इसे मेल्ट होने देंगे और बहुत ही आसानी से हम इसे घर में बना सकते हैं और ज़बरदस्त भी बनता है घर में और घर की बनाई हुई जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। और जब आप इसे एक बार बना के देखेंगे तो आप इतने खुश हो जाएंगे, सोचेंगे इतने आसानी से हमने इसे घर में बना लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शुगर जो है कैरेमलाइज होने लगा है और लो फ्लेम पे ही मैंने इसे इतना कैरेमल किया है। जो भी टाइम लगता है ये कैरेमल होने में ही लगता है, उसके बाद बिल्कुल 5 मिनट में ये कड़क सोहन हलवा बनके तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुका है और जो घी है पैन के ऊपर सेपरेट हो चुका है। तो थोड़ी देर हम इसे और मेल्ट करेंगे ताकि जो भी इसके अंदर के चंक्स हो वो भी अच्छे से इसमें पिघल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर हमें इतना ही चाहिए और ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे सरफेस एरिया पे रख लेते हैं और 2 मिनट के लिए ठंडा करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो हमने मिक्सर बनाया था मिल्क पाउडर और मैदे का इसमें डाल के मिक्स करते जाएंगे और हाथ को कंटिन्यू चलाते रहेंगे। हमने इसमें ना तो मैदा को भुना है और ना ही मिल्क पाउडर को, ये जो इतना कैरेमल गर्म होता है कि इसमें ही अच्छे से ये कुक हो जाता है। तो जो बाकी के भी है इसे भी हम डाल देते हैं इसमें और जल्दी जल्दी हम इसे मिक्स करेंगे क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जमने लगता है। अगर ये सरफेस एरिया पे जम जाता है तो आप गैस की फ्लेम को लो रख के इसे वापस से आप रख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे करते हैं सेट। तो
तो यहाँ पे मैंने प्लेट रख लिया है सामने और हम जल्दी जल्दी इसके ऊपर डाल देंगे। देखिए आप देख सकते हैं ये कितनी जल्दी ये जमने लगा है और इतना गर्म होता है कि हाथ तो बिल्कुल भी ना लगाए। और चम्मच से हम इसे इस तरह से सेट करेंगे और इतना शाइनी और इतना ज़बरदस्त बना था ये कि मैं आप सबको बता भी नहीं सकती। यकीन करें बहुत ही अच्छा बना था ये। इसी तरह से हम सारे सोहन हलवा को सेट कर लेंगे और 2 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर में हम इसे 3 सोहन हलवा बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। जैसे ये ठंडा हो जाएगा हम इसे निकाल लेंगे और बहुत ही आसानी से ये निकल भी जाता है। तो इसे मैंने निकाल लिया है, अभी भी ये गर्म है। थोड़ी देर हम इसे और ठंडा करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और शाइनी लग रहा है ये देखने से ही, और खाने में भी बहुत ही मज़े का बना था ये। तो आप सब मेरी ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करें और इसका फीडबैक आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब भी कर दें। आप सब ने मुझे अगर फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी आप मुझे कर सकते हैं। और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।